ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमास सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के रीवा में एक लोकायुक्त के बड़ी कार्यवाही भई, जौने में सूबेदार दिलीप तिवारी सहित उनकर हमरा अमित का लोकायुक्त पुलिस के द्वारा 10,500 रुपये के रिश्वत लेत गिरफ्तार किया गया है। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी प्रपंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंचन बताई रही कि रीवा के ट्रैफिक थाना प्रभारी दिलीप तिवारी सहित उनके हमराह का 10,500 रुपये के रिश्वत लेत रगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रपंचक बता दी कि यह पूरा मामला का है, वाहन छोड़े के एवज में मांगी गई रही 15,000 रुपये की रिश्वत, चेकिंग के दौरान कूलर लोड पकड़ा गया रहा पिकअप वाहन, ड्रिंक एवं ड्राइव के जो है केस बनावा गया रहा और बिना कोनो कार्यवाही के छोड़े के एवज में मांगी गई रही पूरी रिश्वत। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा सूबेदार दिलीप तिवारी सहित हमरा सिपाही अमित का जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वक्त के बेहद बड़ी खबर है, जो अपना बच्चे को बताया दी कि लगातार पुलिस कर्मिन पर आक्षेप लागत है कि ये घूसखोरी करत है, रिश्वतखोरी करत है, लेकिन जब यह में खुलेआम रंगे हाथ हुई पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार होते तो समझ जाइए कि बिल्कुल सही जो है जनता के पीड़ा है और यह पीड़ा का आखिर को दूर करें। सबसे बड़ी बात कि ठीक है पुलिस महकमा में दो चार ठी कार्यवाही महीना डेढ़ महीना में होती, लेकिन यह पुलिस जेका देशभक्ति जनसेवा की पाठ पढ़ावा जाता है वह पुलिस आखिर काहे रक्षक के बजाय भक्षक बन जाती, सवाल सबसे बड़ा यह है। लेकिन इस सवालन के जवाब शासन प्रशासन और सरकारन का खोजे चाहिए, नहीं था एक जो सबसे विश्वसनीय संस्था ही जो कहा जाए कि यह उपक्रम है सरकार के जो जनता के हित की तिर बनावा गया है, वह वास्तव में आगामी दिनन पर उससे जनता के भरोसा उठ जाए, फिर शायद या विश्वसनीयता खत्म होने के बाद लोग खुद जो है कानून हाथ में ले ला गए और खुद न्याय बन जाए, न्यायपालिका बन जाए। यह बेहद दुखद पहलू है, हालांकि लगातार लोकायुक्त के कार्यवाही से जनता के अंदर एक भरोसा जरूर पैदा होता है। तो सुनी शिकायतकर्ता पीड़ित के पूरा बयान और साथ ही मां जो है लोकायुक्त पुलिस के पूरा बयान। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। आपसे किस बात के लिए पैसे मांगे गए थे? हमारी पिकअप गाड़ी पकड़ी गई थी 24 तारीख की रात में, और सर मैं छुड़वाने के लिए गया था कि हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए, तो उसमें 15,000 रुपये मांग रहे थे। फिर सर मेरी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद दिलीप तिवारी जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि 10,500 रुपये जमा कर दो, तुम्हारी गाड़ी हम यहीं से छोड़ देंगे। पैसे कब आपने कहाँ पे दिए? सर मैं कल भी गया था पर कल सर मिले नहीं थे, तो आज ट्रैफिक यहाँ पे सिविल लाइन थाना के सामने चेकिंग लगी हुई थी तो वहीं पे मेरे को देना पड़ा था। पैसा आपसे किस बात के लिए पैसे मांगे गए? गाड़ी छोड़ने के लिए। क्या आरोप लगाए गए थे आपको? आरोप तो सर गाड़ी पकड़ी गई थी तो बोल रहा था कि ड्राइवर आपका दारू पिए हुए है। दारू पिए थे वो? नहीं सर, कोई दारू नहीं पिया हुआ था। कहाँ ले जा रहे थे आप सामान? सर ये रीवा से मझौली के लिए लोड किया हुआ था कूलर। गाड़ी में सामान रखा हुआ था? कूलर लोड है। ये कहाँ रीवा से मझौली ले जा रहे थे? क्या सामान था? कूलर था सर। पिकअप की घटना है ये 24 तारीख की शाम की घटना है। तो आपने इसकी विधिवत रसीद कटवाने की प्रयास किया था कि भाई अगर चलान हुआ तो चलान कर दीजिए? सर मैं कोशिश कर रहा था कि छूट जाए सस्ते में, सर ये बोल रहे थे कि 15,000 से 20,000 रुपये का चलान होगा कोर्ट से, तो मैंने बोला कि सर यहीं से छोड़ दीजिए, तो ये मान नहीं रहे थे सर। आपकी दुकान है? नहीं दुकान नहीं है सर, मैं सर किसानी करता हूँ। किसानी करते सामान मतलब आपकी गाड़ी है? जी सर मेरी गाड़ी है। आपका नाम क्या है? नवल किशोर रजक। पैसा किसके हाथ लिए है? पैसा सर सूबेदार साहब ने अमित सिंह बघेल जी को दिलवाया था। पैसे की बात किससे हुई थी? पैसे की बात सर अमित तिवारी सॉरी दिलीप तिवारी जी से। इसमें रीवा के आदर्श नगर निवासी हैं नवल किशोर रजक, इनका एक बुलेरो पिकअप वाहन चलता है 24 तारीख को शाम को करीब 8:30 बजे, उसमें जो है कुछ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसमें कूलर भरकर सीधी मझोली जाना था,
रात में 8:30 बजे के करीब जो है उस गाड़ी को चेकिंग के लिए जो पुलिस की रूटीन चेकिंग होती है उसमें रोका गया था और उसमें ड्राइवर की चेकिंग और बाकी सब गाड़ियों के कागजात की चेकिंग की गई थी। उसी कारण से उस गाड़ी को जो भी उसमें कमी पेशी पाई गई होगी, शराब पीकर वाहन चलाने का भी एक आरोप ड्राइवर लगाया जो कि बाद में फरियादी का ऐसा कहना है उसने शराब नहीं पी थी। उस गाड़ी को जो है 24 तारीख से पकड़ के आज दिनांक तक थाने में खड़ा किया हुआ, ट्रैफिक थाने के जो इंचार्ज हैं सूबेदार दिलीप तिवारी और एक उनका आरक्षक के साथ ही। फरियादी के अनुसार जो है उसमें इसको बुलाया गया दूसरे दिन सुबह। बुलाने के बाद उससे जो है 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई गाड़ी छोड़ने के लिए। अब चूंकि उसमें अगर नियम की बात करें तो ऐसा है कि या तो पुलिस खुद चालान करके गाड़ी छोड़ दे जो भी उसमें दंडात्मक कार्रवाई उसको होना चाहिए। सेकंड फेज है जो भी ट्रांसपोर्ट नियम है उसमें अपना न्यायालय में जो है चालान जमा करके बेच के और जो भी उस पर दंड बनता है आर्थिक दंड या जो भी होता है तो उस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो 4 दिन से गाड़ी खड़ी होने के बावजूद फरियादी का ऐसा भी कहना है कि चूंकि उसमें हमारा माल था गाड़ी नहीं छोड़ी तो ये बाद में गया था खाली गाड़ी लेके तो उसमें भी जो है उसने माल भी नहीं छोड़ा, गाड़ी तो छोड़ी नहीं लेकिन जो उसमें कूलर वगैरह जो भरे हुए थे सामान वो भी उन्होंने वापस नहीं किया गया। तो वो 15,000 रुपये चूंकि नहीं थे देने की स्थिति में था इसलिए फिर जो है उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी, उसका हमने सत्यापन कराया। उस सत्यापन में क्लियर कट डिमांड पाई गई और आज जो है 15,000 की जो डिमांड थी उनकी उसके एवज में जो 10,500 पे सौदा तय हुआ था तो वो 10,500 रुपये लेते हुए एक आरक्षक जो है और सूबेदार जो कि थाना प्रभारी भी है ट्रैफिक के रीवा के उनको आज दोनों को रंगे हाथों रीवा लोकायुक्त के द्वारा जो है पकड़ा गया। पहले कोई रकम नहीं थी, बातचीत हुई थी, बातचीत के बाद चूंकि वो दे नहीं पाया था फरियादी को परेशान था उसका सामान भी नहीं लौटाया गया था तो उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। तो प्रभारी का नाम क्या था? प्रभारी का नाम दिलीप तिवारी। आरक्षक हैं अमित सिंह, आरक्षक अमित सिंह और दिलीप तिवारी। कार्रवाई सर कहाँ हुई? थाने में, ट्रैफिक थाने में।